स्वागत है दोस्तों आपका इंडी लैब चैनल पे। और आज हम आए हैं हमारे मेडिकल कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड और त्रस्त है, और ऐसा ही हाल है हमारे शहर व्लादिवोस्तोक का। यहाँ पे करीब 2000 लोग इन्फेक्टेड हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे डॉक्टरों और हमारे हॉस्पिटल के कंधों पे है। और आज हम आपको दिखाने लाए हैं हमारा मेडिकल कॉलेज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जगह हमेशा लोगों से भरी रहती थी। यहाँ के स्टूडेंट करीब 2 से 3 हज़ार थे। और ये है हमारा मेन बिल्डिंग। यहाँ पे हमारे लैटिन लैंग्वेज, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसे क्लासेस चलती हैं। और यहाँ पे हमारा कैंटीन है। और ये है हमारा जिम्नाजियम। यहाँ पे हमारा बास्केटबॉल कोर्ट और तरह तरह के दूसरे खेल हमें खिलाए जाते हैं। और हमारे जस्ट पीछे है हमारा बायोलॉजी डिपार्टमेंट, और इसके साथ ही हमारे दूसरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और दूसरे सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको एक बार हम अपना कैंपस दिखाते हैं और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। कुछ ऑफिशियल को छोड़ के यहाँ पे सारे स्टूडेंटों को मना कर दिया गया है आना। और हमारा भी स्टडी डिस्टेंस कोर्स के थ्रू हो रहा है। इस समय हमारी स्टडी को इस समय रोक दिया गया है। कॉलेज हम लोग आ रहे हैं केवल बुक्स और दूसरे स्टडी मटेरियल लेने, जो कि हम ऑनलाइन नहीं ले सकते। इस वजह से यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। और ये अच्छा भी है, सारा भार डॉक्टरों के ऊपर होने के कारण हमारे मेडिकल प्रैक्टिस भी हार्ड हो गई है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कुछ अनदर डिपार्टमेंट्स पे और आपको दिखाते हैं हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट। और सॉरी दोस्तों, हम आपको बाहर से ही दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे रियल डेड बॉडीज़ होती हैं, जो कि अच्छा नहीं होगा आपको दिखाना। फ्रेंड्स, ये है हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमें रियल डेड बॉडीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। बिकॉज ऑफ रियल डेड बॉडीज़ वी कांट शो यू इनसाइड डिपार्टमेंट एनीथिंग, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू शो यू अनदर डिपार्टमेंट्स टू। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर। यहाँ सारे हमारे डीन और दूसरे टीचर्स बैठते हैं, प्रोफेसर बैठते हैं। और ये जो हमारा सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पे सारे लेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स हॉल हैं यहाँ। दोस्तों, अगर आप कुछ सेकंड पहले का वीडियो को पॉज करें तो आप एक पोर्ट्रेट देखेंगे पत्थर से बनी हुई, जो कि दिखाता है कि डॉक्टर्स कैसे वर्ल्ड वॉर के समय में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इन्होंने फाइट की थी सोल्जर्स के कंधे से कंधे मिला के। और हमारे डॉक्टर आज से ही नहीं, दुनिया के स्टार्टिंग से ही ह्यूमैनिटी की मदद करते आए हैं। हम कोई भगवान नहीं, हम एक नॉर्मल लोग हैं जो कि केवल लोगों की मदद करना चाहते हैं। और चाहे लोग जो भी कहें हमें, हम बस अपना काम करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, कभी हिटलर के रूप में, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी कोरोना के रूप में, मानवता के दुश्मन हमेशा धरती पर आते रहते हैं और हमें उसके खिलाफ फाइट करनी होती है। और आज समय ये है कि लोगों को कोई चिंता नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर उन्हें कोरोना हुआ या आतंकवाद या जिस चीज़ पे, जिस मैटर पे भी हम बात करें, तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी वजह से लाखों जाने हमेशा जाती रहती हैं। कभी एक डॉक्टर के रूप में जान जाती है, कभी एक सोल्जर के रूप में जान जाती है, और कभी एक आम आदमी, एक मजदूर और एक किसान की जान जाती है। मैंने आपको इसीलिए मेरा कॉलेज दिखाया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे कैसे हार्ड वर्क करते हैं और अपने लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं लोगों की मदद करने के साथ। हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, सब लोगों की एक आशा होती है हमसे, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है, एक स्टूडेंट भी नहीं है इस कॉलेज में। करीब यहाँ 4 महीने पहले तक हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। मैंने आपको पूरा कैंपस अभी नहीं दिखाया है, हमारा कैंपस काफ़ी बड़ा है और दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऊपर, ताकि हम अपने आप को इन्फेक्टेड ना कर लें। एनीवे, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ताकि कोरोना वायरस को फैलने रोका जा सके, जो कि मेरे हिसाब से एक चाइनीज़ वायरस है, और मैं उसे चाइनीज़ वायरस ही कहता हूँ। और मैं कहूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें,
खुद को सुरक्षित रखें और कोरोना वायरस को फैलने से रोकें। धन्यवाद।